वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या बनाने वाली हूँ। मैं केले के रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये देखिए बनाना, कच्चा बनाना लेके आई हूँ मैं दुकान से। 500 ग्राम बनाना है। दो टमाटर ली हूँ, दो बटाटा ली हूँ। इसको स्पाइसी बनाने वाले हूँ, मसालेदार चटपटा, थोड़ा तीखा चटपटा, जैसे चावल रोटी सबके साथ मैच हो खाने लिए, वैसा बनाने वाले हूँ। चलिए इसको पहले छील लेते हैं। छीलने का प्रोसेस आपको पता ही होगा, छील छील का पानी में डालते जाने का है, रखते जाने का है इसको, उसके बाद ही काटने का है, नहीं तो काला पड़ जाता है। तो पहले सब्जी को काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, केला को काट के पानी में डुबा दी हूँ। थोड़ा सा हल्दी दे दीजिएगा। केला काटने में हल्दी देने से ये जितना ये रहता है ना कसीला पर्दा, तो ये हल्दी में कन्वर्ट हो जाता है, तो अच्छा रहता है, केला काला काला नहीं रहता है। ये देखिए बटाटा और करेला सब प्रोसेस में काट के इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक के लिए दूसरे करते हैं। टमाटर को पीस लेते हैं। इसमें अदरक दे दिए हूँ एक टुकड़ा, तो इसको भी बाद साथ में पीस लेते हैं। सूखा मसाला का इस्तेमाल करेंगे, तो अदरक को हम कूट के देंगे नहीं, इसमें टमाटर के साथ पीस लेते हैं। ये देखिए केला और बटाटा को धो ली हूँ। अब इसको हल्का फ्राई करते हैं दोनों को। देखिए कढ़ाई में 5 तेल दे दी हूँ, छोटी चम्मच में 1 चम्मच। इसमें बटाटा को पहले फ्राई कर लेते हैं। जब से 2 मिनट तक बटाटा को फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा नमक दे देते हैं, हल्का सा हल्दी दे देते हैं। डेढ़ से 2 मिनट का फ्राई कर लेते हैं। देखिए बटाटा फ्राई हो गया है दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं। अभी उसी ऑयल में अभी केले को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट बनाना को भी फ्राई कर ली हूँ, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है। आप लोग चाहे तो ऐसे निकाल के कितना पीस रख के फिर रेसिपी बना सकते हैं खाने के लिए। ये देखिए उसी ऑयल में और छोटा चम्मच में 1 चम्मच ऑयल ले ली हूँ। इसमें हम 5 फोरन डालेंगे, अभी 2 तेज़पत्ते, हरा मिर्च, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च दे दी हूँ। अभी पिसा हुआ टमाटर दे देते हैं। इसमें सूखा मसाला दे देते हैं दोस्तों, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच की कश्मीरी पाउडर, आधा चम्मच तीखा मिर्च पाउडर, इसको 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाला को फ्राई कर लेते हैं। मैं दूसरा चम्मच लिया नहीं दोस्तों, इसमें से फ्राई किया था निकाला, तो उसी को चम्मच से कर रहे हैं। देखिए 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है टमाटर को। अभी जो फ्राई किया हुआ है बटाटा और बनाना को सब डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसको ढक्कन लगा लगा के 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए अच्छे से 1.5 से 2 मिनट तक ढक्कन लगा कर फ्राई कर लिए हैं। अब स्वाद अनुसार नमक दे देंगे। फ्राई करने का टाइम में नमक दिए हूँ, तो थोड़ा मीडियम से देंगे। अब पानी दे देंगे, जो टमाटर पीसी थी मैं उसके बाटी में थोड़ा सा पानी दिए हूँ। लगभग हमको पानी ज़्यादा देना नहीं है, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का करना है, तो हम 3 बड़े गिलास में लगभग 2 गिलास देंगे और उसको उबलने रखते हैं। ये देखिए दोस्तों 2 गिलास पानी दी हूँ मैं। इसको उबलने के लिए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने के लिए ढक्कन लगा देते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी बन कर रेडी हो गया है। थोड़ा ग्रेवी टाइप का रखने वाला हूँ, तो स्वाद अनुसार के लिए गरम मसाला दे रही हूँ। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी,
देखिए हमारा सब्जी बनाना का चटपटा बन के रेडी हो गया है। इसको 1 मिनट उबलने देते हैं। ये देखिए बनाना का सब्जी, लाइट के वजह से बनाना का सब्जी थोड़ा कलर फीका दिख रहा है, और ये बनाना फ्राई देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये बनाना फ्राई आप लोग को बोले मैं जो फ्राई करके भी खा सकते हैं, तो मैं थोड़ा से फ्राई करके उसमें नमक हल्दी डाली हुई तो इसको निकाल के रखी हूँ। फ्राई भी खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और सब्जी भी अच्छा लगता है। तो दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।